पप्पू यादव के लिए राहत भरी खबर, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी के लिए मिली मंजूरी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव और उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह एक राहत भरी खबर है। पप्पू यादव जी ने पिछले दिनों मधेपुरा सेशन कोर्ट ने 32 साल पुराना केस में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब वह जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है और इसी दौरान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी हुई है, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था। इसी अति महत्वपूर्ण मामले बताते हुए हाईकोर्ट से पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने जो आग्रह किया उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाएगी, लेकिन इसके लिए पहले उनके वकील की तरफ से हाईकोर्ट में वेल की ई फाइलिंग की जाएगी। आपको बता दें कि पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में इस वक्त जेल के अंदर हैं। दरभंगा में DMCH में बीमार पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। पप्पू यादव की तरफ से इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पहले भी पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने तब इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मामला मानने से इनकार करते हुए सुनवाई नहीं की थी। बाद में पप्पू यादव मधेपुरा की निचली अदालत में गए थे। मधेपुरा में SCJM कोर्ट ने पप्पू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में पप्पू सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने भी उन्हें कई नियमों शर्तों के साथ जमानत देने से मना कर दिया, लेकिन अब पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई संभव हो पाएगी। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.